एक ओर जहां देश में अग्निवीर योजना की भर्ती में सेना की तैयारी करने वाले छात्र न केवल आंदोलन कर रहे हैं बल्कि आगजनी हिंसा कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर के प्रशासन पुलिस प्रशासन ने छात्रों के मनों में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए अनोखा प्रयास किया है। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक ने सेना की भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे सभी छात्रों को स्टेडियम में बुलाकर पूर्व सैनिक अधिकारियों के बीच वार्ता कराई है। इस दौरान सैनिक के अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक ने छात्रों के मनों में बैठी हुई भ्रांतियों को दूर किया। इस मीटिंग से सभी छात्र संतुष्ट नजर आए। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसे प्रशासन ने ज्ञापन लेकर सरकार तक पहुँचाने का भरोसा दिलाया है। पिछले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना केवल आंदोलन उग्र रूप अपनाते हुए करोड़ों रुपए की क्षति करते हुए ट्रेनों और बसों में आग लगा दी, बल्कि सैकड़ों छात्रों ने सड़कों पर निकलकर अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को बेचैनी में डाल दिया था। लेकिन शाहजहांपुर जिले में प्रशासन ने सेना में भर्ती होने वाले छात्रों को मन में फैली आशंकाओं को दूर किया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने सैनिकों के पूर्व अधिकारियों को बुलाकर छात्रों के मनों में बैठी दो दुविधाओं को दूर कर दिया है, जिसके चलते सैकड़ों छात्र इस मीटिंग में संतुष्ट दिखाई दिए। इस दौरान सरकार से और भी सुविधाएं देने की बात को लेकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके चलते पुलिस अधीक्षक के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाते हुए उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। GVN24 न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। के लिए तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके मन में कुछ शंकाएं थी, अभी भी बहुत से शंकाओं को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। जो पॉइंट ऑफ व्यू कल तमाम टीवी चैनल्स पे जो उनका साक्षात्कार आया है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया और भी तमाम बेनिफिट्स उनके बारे में बताया गया है। और ये ज़रूर थोड़ी सी इनके मन में ये शंका थी कि 4 साल का बहुत शॉर्ट टेन्योर है, लेकिन उसको ये बताया गया है भाई 4 साल उन लोगों के लिए है जो शायद 4 साल घर बैठे हो, तो जो डिजर्विंग थे वो तो उसमें आ ही जाएंगे जो भर्ती में होते। हाँ, एक अनसर्टेनिटी इनके दिमाग में है कि भाई 4 साल तक हम अनिश्चित रहेंगे कि मैं फौज में रहूँगा आगे या नहीं रहूँगा, तो वो अनसर्टेनिटी आज की डेट में भी है कि ये सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये अनसर्टेनिटी तो आज भी बनी हुई है। तो वो 4 साल तक कंटिन्यू करें इतनी ही बात है, लेकिन अपना बेस्ट वो 4 साल बाद देगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस वही आते जो यहाँ भी शायद सिलेक्ट नहीं होते, तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएँ सरकार कर रही है। तमाम और भी जो CABF है, असम राइफल्स में ऑलरेडी भर्ती का निकला हुआ कोटा, इसके अलावा PSUs हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में 16 PSU हैं, वो अपने PSUs में एडजस्ट करेंगे। बहुत ऐसा नहीं, अभी यूथ है, अभी ऐसा भी नहीं है बहुत, जैसे एक शॉर्ट सर्विस कमीशन 15 साल का होंगे आएंगे, इनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी, तमाम फोर्सेज में अब्जॉर्व हो सकते हैं, एज भी इतनी रहेगी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं जो इनमें से ऐसे बच्चे। अच्छा, दूसरा वो उन 4 सालों में इनको हाई स्कूल जिनकी शिक्षा है उनको ऑलरेडी वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दे रहा है, तो एक उनकी शिक्षा का भी स्तर इसमें ऊँचा हो जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं, आपको इंटर के लिए अलग से क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इंटरमीडिएट का डिग्री फ्री दे रहा है, तो इसके हिसाब से उन बच्चों के लिए एक एडेड एडवांटेज है कि नौकरी करते हुए उनकी शिक्षा भी ऊपर हो रही है, हाई स्कूल लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं और जब उनका एग्जिट होगा अनफॉर्चुनेटली अगर होगा तो वो इंटरमीडिएट पास होंगे निकलेंगे, तो उसके बाद वो ग्रेजुएट हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एज रहेगा उनके पास।